हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए बनाते हैं उत्तराखंड की एक और ट्रेडिशनल डिश जिसका नाम है भटके डुबके। इससे पहले मैं चने के डुबके आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसकी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप वहाँ देख सकते हैं। भटके डुबके बनाने के लिए आपको ओवरनाइट कुछ भट और थोड़ा सा, जितना आप भट भी हो रहे हैं उसका 1/4 चावल ओवरनाइट सोक करना होता है। देखिए ये इस तरीके से फूल जाते हैं। इसके बाद आप इसे सिलबट्टे में या फिर मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा इस तरीके से पीस लीजिए जी। इसके बाद हमने लोहे की कढ़ाई यूज़ करनी है। आपने लोहे की ही कढ़ाई को यूज़ करना है, आपने सिल्वर या नॉनस्टिक यूज़ नहीं करना है। देखिए इसका स्वाद जो है लोहे की कढ़ाई और सरसों के तेल से ही अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा हींग और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। देखिए भट की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, इसलिए हम इसमें हींग और अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, जिससे ये हमारे पेट में कुछ गड़बड़ ना करे। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन और हींग अच्छे से भुन जाए तो उसके बाद हम उसमें भट ऐड करेंगे जो हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिए थे। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो ज़रूर आप उसमें पीसिएगा, उसमें इसका टेस्ट और अच्छा आता है। इसके बाद आपने भट को इसमें मिक्स करना है और अच्छे से इसको भून लेना है। यहाँ पर आपको मीडियम फ्लेम रखनी है और मीडियम फ्लेम में ही इसे 4 से 5 मिनट तक भूनना है। देखिए जब आप भट को अच्छे से भूनेंगे ना तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और हमारी दाल बहुत अच्छे से पकती है। देखिए दाल हमारी कच्ची नहीं रहनी चाहिए और भट ने अच्छे से भून जाना चाहिए। आपने भट को अच्छे से भून लेना है। जब भट अच्छे से भून जाए तो वो लाइट ब्राउन कलर की दिखने लगती है। आपने चम्मच को लगातार चलाना है क्योंकि ये दाल बहुत जल्दी कढ़ाई के तले में चिपकने लगती है। आपने दाल को जलने नहीं देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर पानी ऐड करना है। मैंने इस बॉटल से, ये 1 लीटर की बॉटल है, मैंने इसे 1 लीटर पानी पूरा इसमें डाला है क्योंकि मैं बार बार पानी इसमें नहीं ऐड करना चाहती थी। अगर आपको बाद में पानी ऐड करना है तो आप बाद में पानी जो ऐड करेंगे उसे एक बार गरम कर लीजिएगा, लगभग एक उबाल आने दीजिएगा। इसका मतलब कि आपको पानी पका लेना है, उसके बाद ही इसमें डालना है, कच्चा पानी इसमें नहीं डालना है। इसके बाद जब हम इसके सारे लम्ब्स हटा लेंगे फिर हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। देखिए मैं अक्सर घर के ही मसाले यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि बाज़ार के मसाले यूज़ नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर मैं घर के मसाले ही यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाला है और लास्ट में मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसाले डालने के बाद आपने डुबके को 25 से 30 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम में इसे 25 से 30 मिनट तक अच्छे से पकने देना है और इसमें आपने फ्लेम हाई नहीं करनी है। देखिए जो आपको इसमें वाइट लेयर दिखाई दे रही थी वो लेयर हट करके इसमें ऊपर से आपको एक येलो लेयर दिखाई देनी चाहिए और जो तेल हमने डाला था वो तेल इसमें ऊपर आ जाना चाहिए, तभी ये डुबके आप पके हुए समझिएगा। देखिए इस तरीके से ये पकने लगेंगे और ये बनकर बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये उत्तराखंड का एक ट्रेडिशनल खाना है, ये यहाँ पहाड़ के लोगों में बहुत फेमस है। यहाँ कभी भी आप आइए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो ये रहे आपके सामने में भटके डुबके। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा और अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।